Hello friends, today I will show you how to install and run Django on Windows 10. Okay, चलो start करते. तो पहले हम लोग Python को download करेंगे और install करेंगे, ठीक है? तो Google में आके type करना है Python download. First वाला जो link आएगा उसी पर ऊपर click करना है. तो python.org/download, ठीक है? तो Python का अभी latest version है 3.8.5, ठीक है? इसको download करते हैं हम लोग. चलो डाउनलोड हो रहा है. ओके, पाइथन डाउनलोड हो गया. अभी इसको इंस्टॉल करेंगे. तो यहाँ पर आके शो फोल्डर करते हैं. देखो यहाँ पर मेरा सेटअप फाइल आ गया. तो यह इसको ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करते हैं. देन इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन. तो और यहाँ पर इंस्टॉल लॉन्चर ऑल यूजर, तो ऐड पाइथन, तो इसको सिलेक्ट करना है और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट करके यहाँ पर सब कुछ टिक हुआ है. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. देन ओके ओके ओके. देन नेक्स्ट. ठीक है, पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया. ठीक है, तो अभी इसको क्लोज करते हैं. अभी सीएमडी ओपन करके देखते हैं पाइथन इंस्टॉल सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ. तो वर्जन चेक करने से ही हो जाएगा. तो यहाँ पर टाइप करना है Python hyphen hyphen version. थोड़ा बड़ा कर दो इसको. ठीक है, Python hyphen version, देन एंटर. Python 3.8.5 इंस्टॉल हो गया. पर pip भी चेक कर लेते हैं. pip hyphen hyphen. ठीक है, pip भी मेरा pip 20.1.1. ठीक है, हो गया. देन हम लोग एक एडिटर डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे. पाइचम बोल के एक एडिटर को हम लोग पहले डाउनलोड करते हैं. तो पाइचम डाउनलोड. ठीक है, पहले वाला जो लिंक आया है देखो jetbrains.com का, उसी के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग. और यहाँ पर देखिए डाउनलोड पाइचम एक प्रोफेशनल है, एक कम्युनिटी है. कम्युनिटी तो हम लोग ओपन सोर्स है. ठीक है, फ्री ओपन सोर्स. तो इसको डाउनलोड करेंगे. तो क्लिक ऑन डाउनलोड बटन. ठीक है, देखो डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर. ओके, डाउनलोड हो गया. ठीक है, अभी इसको करते हैं इंस्टॉल. तो यहाँ पर क्लिक करके शो इन फोल्डर करते हैं. तो यहाँ पर सेटअप फाइल मिल गया मुझे. राइट क्लिक करके करते ओपन. ठीक है, तो यस करना है. तो नेक्स्ट. तो डेस्टिनेशन फोल्डर तो यहाँ पर ही है. ठीक है, उसको चेंज कर भी सकते हो, नहीं कर भी सकते हो, आपका मर्जी. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. ठीक है, तो क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट यस 64 लॉन्चर और अपडेट पाथ वेरिएबल रिस्टार्ट नीडेड. ओके, इसको कर देते हैं टिक और देन नेक्स्ट. ठीक है, देन इंस्टॉल. तो कंप्लीट हो गया, इंस्टॉल कंप्लीट हो गया. अभी यहाँ पर रिबूट नाउ, आई वांट टू मैनुअली रिबूट लेटर. तो इसको करते हैं आई वांट टू मैनुअली रिबूट लेटर. ठीक है, इसको सिलेक्ट करते फिनिश कर देते हैं. ओके, देन हम लोग इसको करते ओपन. पाइचम को करते ओपन. ओके, देन आई कॉन्फर्म दैट द, इसको करते एक्सेप्ट. देन कंटिन्यू. ठीक है, सो सॉरी. देन डोंट सेंड डेटा करते हैं. ठीक है, यहाँ पर सेट यूआई थीम एक ब्लैक है एक लाइट है. इसको करते ब्लैक सिलेक्ट करते करके इसको करते हैं. देन इसको कुछ नहीं लेगा. स्टार्ट यूजिंग पाइचम. ओके, देन न्यू प्रोजेक्ट ओपन. तो चूज करते हैं न्यू प्रोजेक्ट. ओके, देन यहाँ पर प्रोजेक्ट का एक नाम देते हैं. सो माय जेंगो प्रो. ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम दिया हमने.
देन यहाँ पर न्यू एनवायरनमेंट यूजिंग इसको ही सिलेक्ट कर रहने दो, ठीक है, देन क्रिएट। ओके देखो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है हम लोग यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, वेन बोल के एक फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है, और उसके बाहर एक main.py बोल के एक फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं, रन मेन, ठीक है। देखो यहाँ पर हाई पाइचम बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करेंगे अभी जेंगो इंस्टॉल करेंगे, तो फिर से ओपन करना है CMD, ठीक है, देन हम लोग यहाँ पर जेंगो इंस्टॉल करेंगे। जेंगो इंस्टॉल करेंगे तो टाइप करना है pip इंस्टॉल जेंगो जेंगो, ठीक है, देन एंटर। ओके जेंगो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अभी जेंगो का भाषण चेक कर लेते एक बार, पाइथन हाइपेन एम जेंगो हाइपेन हाइपेन पर्शन एंटर, ठीक है, जेंगो 3.0.9 हो गया इंस्टॉल। ओके देन हम लोग जेंगो का ऐप क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके तो जेंगो तो इंस्टॉल हो गया, अभी हम लोग यहाँ पर एक ऐप क्रिएट करेंगे, जेंगो का ऐप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले करना है जेंगो मॉड्यूल को अभी यहाँ पर ऐड करना है, तो फाइल में जाके ओके जेंगो इंस्टॉल हो गया, अभी पाइथन में जेंगो मॉड्यूल को ऐड करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो फाइल में जाके सेटिंग्स में जाना है, ठीक है, और यहाँ पर देखो हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे, ठीक है, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। देन सिलेक्ट करना है पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है, देन यहाँ पर क्लिक करना है प्लस बटन के ऊपर और यहाँ पर सर्च करना है जेंगो, तो जेंगो यहाँ पर आ गया, तो इसको करना है इंस्टॉल पैकेज। इंस्टॉल सक्सेसफुल, ठीक है, चलो इसको बंद क्लोज करते हैं, देन करते हैं ओके, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर एक जेंगो का ऐप क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे, इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऐप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखो और यहाँ पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे एक ऐप क्रिएट, तो यहाँ पर यहाँ से आप जा सकते हो टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर टाइप करना है, देखो आप कहाँ पर हो, जो माई जेंगो प्रो बोले जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है उसी के अंदर हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप करना है जेंगो हाइपेन एडमिन, उसके बाद स्टार्ट प्रोजेक्ट, स्टार्ट स्टार्ट प्रोजेक्ट, देन आपका ऐप का नेम, ठीक है, देन हम देते हैं माई ऐप बोल के दे देते हैं, देन एंटर, ठीक है, क्रिएट हो गया। देन हम लोग CD करके जो ऐप क्रिएट किया उसी के अंदर जाएंगे, ठीक है, देन एंटर, ठीक है। अभी हम लोग इस ऐप को रन कराएंगे, तो टाइप करना है पाइथन मैनेज manage.py then run server, तो python manage.py run server, sorry server, ठीक है, then enter। ओके देखो यहाँ पर स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर यहाँ पर 127.0.0.1 और 8000 बोल के एक पोर्ट आ गया, इसको कॉपी करते हैं
देन इस यहाँ पर जाके इसको करते हैं पेस्ट देन एंटर। देखो देखो हम लोग का प्रोजेक्ट अभी रन कर रहा है, द इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अभी हम लोग एडमिन को ओपन करेंगे, तो इसको यहाँ पर एडमिन लिखते हैं और यहाँ पर खुद भी पासवर्ड दोगे, यूजर नेम पासवर्ड देगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक मेरा डेटाबेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जेंगो ने एसक्यूएलआईट यूज करता है। ठीक है, तो हम लोग डेटाबेस को करेंगे माइग्रेट। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं, पहले स्टॉप करते हैं, कंट्रोल सी करके क्लोज हो गया। अभी यहाँ पर टाइप करना है पाइथन मैनेज डॉट पाई देन माइग्रेट। ठीक है, पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पाई डॉट सॉरी स्पेस देके माइग्रेट देन एंटर। देखो टेबल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हो गया, ठीक है, माइग्रेट हो गया। अभी हम लोग कुछ यूजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, देन एंटर, देन यहाँ पर यूजर नेम देना है, तो यहाँ पर कोई भी एक यूजर नेम देते हैं हम लोग एडमिन। यहाँ पर एक ईमेल आईडी देना है एडमिन, ओके, पासवर्ड सेट कर दो एडमिन @123 करते हैं, और यहाँ पर एडमिन @123 करते हैं। देन यहाँ पर बाईपास पासवर्ड वैल्यूएशन क्रिएट यूजर नेम, तो इसको करते हैं यस, वाई फॉर यस एंटर। ठीक है, देन हम लोग फिर से करते हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट। ओके, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन डॉट सर्वर। ठीक है, देन एंटर। ठीक है, रन हो रहा है, अभी हम लोग इसको करते हैं रन। देखिए यहाँ पर हम लोग दिए थे पाइथन और यहाँ पर पाइथन, ओके, देखो आ गया। चलो थैंक यू सो मच, तो स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।